जहां जिनपिंग ने 7 लोगों के पास कमान दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 लोग बेहद खास हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करेंगे लद्दाख और कश्मीर को लेने के लिए। ये बड़ा बयान बहुत बड़ी हलचल मचा रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं जाते जाते आपको बता दें, चीनी एम्बेसडर चले गए हैं और जाते जाते बहुत बड़ी बात कह के गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस खत्म हो गई है और इस कांग्रेस ने एक बार फिर से शी जिनपिंग को पार्टी प्रमुख और देश का राष्ट्रपति चुन लिया है। अब जैसे ही ये राष्ट्रपति बने वैसे ही इन्होंने एक पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। अब समझ लीजिए कि ये जो कमेटी है यही कमेटी पूरे चीन को चलाती है। और सबसे ताकतवर लोग, अगर आपको देखना है कि चीन के सबसे ताकतवर लोग कौन हैं, तो आपको इस कमेटी को देखना चाहिए। इस कमेटी में 7 लोग आए हैं और ये 7 लोग बेहद खास हैं। सबसे पहले तो शी जिनपिंग खुद हैं जो देश के महामहिम और राष्ट्रपति है और इस फैसले के बाद अब जिंदगी भर राष्ट्रपति रहेगा। दूसरा है ये ली कियांग, शंघाई से ये पार्टी प्रमुख रहा है और शी जिनपिंग का एकदम से विश्वासी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इन्हें चीन के प्रधानमंत्री के तौर पर पोजीशन दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस शख्स के साथ क्यों जिनपिंग इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है, तो इसके पीछे कारण जान लीजिए। शंघाई में लॉकडाउन था, लोगों को खाने के, चिकित्सा के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इसने एक बार भी उफ नहीं किया और जिनपिंग के आदेश पर सारी दिक्कतों को समझते हुए भी लॉकडाउन लगा कर रखा। बहुत ज्यादा आलोचना हुआ इसकी, लेकिन फिर भी इसने लॉकडाउन को लगा कर रखा और यही वफादारी जिनपिंग को चाहिए थी। दूसरे शख्स है ये झाओ लेजी, 65 साल के हैं ये। और ये क्यों जिनपिंग के इतने करीबी माने गए, तो आपको बता दें, जो कमेटी भ्रष्टाचार को देखती है और हैंडल करती है, सजा देती है, लोगों को पकड़वाती है, उसके ये चीफ रहे हैं। और कितने अच्छे तरीके से जिनपिंग ने अपने विरोधियों को साफ किया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी विरोधियों का सफाया करने में झाओ लेजी ने बहुत ज्यादा मदद की है जिनपिंग की। और ये उसके बाद है वांग हुइंग, और इनका काम क्या है, ये पार्टी के राजनीतिक सिद्धांतकार रहे हैं। अब समझ लीजिए, इन्हें कहा जाता है जिनपिंग के सपने वाले चीन का दिमाग। ये 67 साल के हैं और वांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उनके बाद नंबर आता है काई क्यूई का, काई कुई झेजियांग और फुजियान प्रांत में शी जिनपिंग के अधीन काम करता है। ये भी काफी करीबी माना जाता है और विंटर ओलंपिक को समय पर इसने ही करवाया है। इसके बाद जो इस शख्स को देख रहे हैं ये है डिंग जुक्सकियांग। इसका कंट्रोल है सूचना और कई तरह के अधिकारियों पर। इन्हें चीफ ऑफ स्टाफ भी कहा जाता है जिनपिंग का। और उसके बाद ली सी ग्वांडोंग प्रांत के पार्टी प्रमुख है, भी माना जाता है बहुत बड़ा समर्थक शी जिनपिंग का। इन 7 लोगों के कंधे पर जिनपिंग ने जिम्मेदारियां दी है। पर एक चीज देखने को मिल रहा है और वो चीज क्या है, वो चीज देखने को मिल रहा है कि भारत के लिए ऐसा लग रहा है जैसे चाइना शायद कोई प्लान बना रहा हो। और इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि चाइना भारत पर पाकिस्तान के साथ मिलकर हमला करेगा और लद्दाख और कश्मीर दोनों को छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिनपिंग ने अब 3रा कार्यकाल पा लिया है। अब ऐसे में भारत को रहना चाहिए आत्मनिर्भर, क्योंकि अमेरिका मदद नहीं करेगा। दुनिया जो सोच रही है कि ताइवान के ऊपर हमला करेगा चीन, ऐसा नहीं होगा, बल्कि चीन हमला करेगा भारत के ऊपर। और भारत जब मदद चाहेगा अमेरिका से, तो अमेरिका भारत की कोई मदद नहीं करने वाला है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ताइवान पर हमला होगा, अमेरिका के डर से चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा,
और जिस तरीके से चीन ने अब रणनीतियां बदल रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही। वैसे आपको बता दें ये बातें कही है बीजेपी के लीडर और पुराने राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने। इन्होंने एक चेतावनी दी है और चेतावनी देकर ये सारी बात कही है कि जिनपिंग ने तीसरा कार्यकाल अपना लिया है तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिनपिंग और चाइना भारत की तरफ मुड़ेगा न कि ताइवान की तरफ मुड़ेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ट्वीट, स्वामी ने इस चीज को ट्वीट करके भी दर्शाया है। और जहां तक रूस की बात है, रूस इस समय क्या सिचुएशन में आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। खैर, अगर ऐसा होता भी है तो भारत अपने बलबूते पे खड़ा है और ये चीज साफ साफ दिख रही है। कल भी हो सकता है कि अमेरिका किसी को मदद ना करे। चाइना के खिलाफ हम लगातार अपनी बढ़त बना रहे हैं मिसाइलों से, एयरक्राफ्ट कैरियर से। खैर, निगेटिव बातें भी सुननी चाहिए क्योंकि इससे तैयारी करने में ज्यादा बल मिलता है। पर इन सब के बीच में कुछ बदलाव तो होते हुए जरूर दिख रहे हैं और इस तरीके के बदलाव अब ऐसे दिख रहे हैं कि चाइना के जो अम्बेसडर थे भारत में वो अब जा रहे हैं, उनकी जगह अब नए अम्बेसडर आएंगे। वैसे आपको बता दें ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध बरकरार है। तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही भारत के राजदूत को बदल रहे हैं शी जिनपिंग। इसके कई कूटनीतिक मायने भी हैं। ये हैं चाइना के अम्बेसडर जो भारत में तैनात थे सुन वेडोंग। ये करीब 3 साल से तैनात थे। इस वक्त इन्होंने गलवान वाली घटना भी देखी, गलवान का कांड भी देखा और बाकी चीजें भी देखी कि किस तरीके से भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए। लेकिन जैसे ही तीसरा कार्यकाल राष्ट्रपति का मिला वैसे ही अब इनके जाने का समय हो गया है। आपको बता दें इनके जाने पर एक लंबा चौड़ा इन्होंने स्पीच भी दिया है और वो स्पीच बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने इनको इसलिए वापस बुला लिया है क्योंकि इनका 3 साल का ही कार्यकाल था और 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसलिए अब ये वापस आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी मायने लगाया जा रहा है कि अब भारत में जो नए एम्बेसडर चाइना भेजेगा वो अपनी पसंद के रणनीतिकार को भेजेगा। खैर, वैसे आपको बता दें जिनपिंग ने इस वक्त कार्यकाल संभाल लिया है तीसरे राष्ट्रपति का, लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक बधाइयां नहीं दी है। अब इसके मायने आप समझ सकते हैं चाइना और भारत के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। पर इन सब के बीच में सुन वेडोंग ने यही कहा है कि ये 3 साल ऐसे रहे हैं जिसको मैं भूल नहीं सकता हूँ, जिंदगी भर याद रखूंगा और भारत और चीन की दोस्ती हमेशा से ही बनी रहे, अच्छी रहे। हालांकि अच्छी अच्छी बातें इन्होंने कहकर यहाँ से विदाई ले ली है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना हम पर हमला कर सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।